सारी बार ब्रह्मपुत्र, ये उमानंद मंदिर है। उमानंद शिव जी का मंदिर है। आज शिवरात्रि है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये है ब्रह्मपुत्र। ये यहाँ भी सब तरफ यहाँ पे रेत पड़ गया है, तो आधे से ज़्यादा मतलब नदी में पूरा रेत आ रहा है। ये है उर्वशी, जो एक अप्सरा थी उर्वशी। हम उर्वशी की तरफ भी जा रहे हैं अभी। यहाँ बहुत बरसों बाद इतनी ज़्यादा रेत पड़े हैं। पहले आधे तक पड़ते थे, लेकिन अभी उर्वशी तक मतलब उमानंद जाने के लिए मिनिमम हाफ किलोमीटर अभी मतलब रह गया है। हाफ किलोमीटर भी नहीं अभी रह गया है, क्योंकि ये बहुत बरसों बाद यहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब हद तक रेत पड़ के पूरा नदी के बीचों बीच तक आ गए हैं। ये एक बहती ऐसी धार वाली नदी है। ये ऐसी धार वाली नदी है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा उत्पाद होती है। हम अभी उर्वशी पहुँचने वाले हैं, बस कुछ ही देरी है। नदी की जो कलकल आवाज़ होती है उसे सुनो, इसकी आवाज़ में एक मिठास है। की आवाज़ में मिठास है। वाह, ये नदी की कलकल आवाज़, इसमें मिठास है। नदी की पानी भी बहुत साफ है। मुझे प्यास लगी थी तो मैंने पी भी लिया। ये है उर्वशी। उर्वशी ये बगल में है उमानंद शिव जी का मंदिर है। बरसों पुरानी ये है उमानंद। इसमें खासियत ये है, इसकी जो पत्थर है ये बहुत ही फिसलन है, मतलब जैसे किसी ने पॉलिश करके दिया है ऐसे है बिल्कुल। ओह माय गॉड, ये बरसों से ऐसे ही है, ये कभी डूबता नहीं है। जब पानी ज़्यादा बाढ़ आती है तो पत्थर डूब जाते हैं, लेकिन उर्वशी आज तक डूबा नहीं। कहते हैं अगर उर्वशी डूब गया तो पूरा असम के आधा हिस्से डूब जाएंगे। उर्वशी जो एक अप्सरा थी। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। बहुत खूबसूरत है, इसके पत्थर बहुत ही बहुत अच्छा लगता है इस फिसले ने बहुत। चलो आ जाओ, ये रोपवे की व्यवस्था है। ये बचपन में हम लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते थे, मम्मी पूरे फैमिली, तो खूब घूमते थे यहाँ पे पत्थरों के ऊपर, बहुत मज़ा आता था। यहाँ ये है कर्मनशा, ये है कर्मनशा। उर्वशी उमानंद कर्मनशा ये सब अगल बगल में है। बीच बीच में पानी के हल्का हल्का सा पत्थरों के बीच में पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, कर्मनशा। हाँ, तुझे जाना है वहां पे। पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया।
ये देखो यहाँ बनपुत्र के ऊपर ये उर्वशी का पूरा पत्थर, ये सब सच में कितनी खूबसूरत है, खुद बोल भी नहीं सकते। यहाँ से उमानंद का नज़ारा, एक ऐसी जगह है जो नदी के बीचों बीच में है। ये सोचने वाली बात यह है कि ये आज तक डूबा नहीं और इसी तरह से पत्थर के ऊपर ही है। अभी रेत जब पड़ते हैं तो यहाँ आधे रेत भी आ जाते हैं ताकि खूबसूरती। हाँ यहाँ गंदा करना का मतलब ये नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई गंदा भी नहीं करते और शायद मना भी करते हैं यहाँ पे। ये घूम घूम के उमानंद आ गए, ये उर्वशी का पूरा एक चक्कर लगा दिए। चलो यस, ये है यहाँ सूरज देवता और ये उर्वशी का ये देखो नज़ारा। चलो आप लोग इसका एंजॉय करो आराम से, उर्वशी का, उमानंद का, ब्रह्मपुत्र की, विशाल ब्रह्मपुत्र की खूबसूरती। देखो ओम गंगरपतिये नमो नमः, सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्ट विनायके नमो नमः, श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम गंगरपतिये नमो नमः, सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्ट विनायके नमो नमः।